दोस्तों महाराष्ट्र की सोलापुर विधानसभा में इस बार एम पार्टी की जीत पक्की दोस्तों क्यों और कैसे सोलापुर सिटी विधानसभा में इस बार एम पार्टी की जीत पक्की होने वाली है पूरा लॉजिक और प्रूफ के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दोस्तों मेरा प्रूफ और लॉजिक सुनने के बाद आप लोग कहने वाले हैं कि सोलापुर सिटी विधानसभा में इस बार हकीकत में इमाम पार्टी की जीत पक्की होने वाली है दोस्तों बस आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सोलापुर सिटी विधानसभा के अंदर एमआम पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीनीति सिंधे यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी यहाँ पर सिर्फ इमाम पार्टी को महज बारह हज़ार सात सौ उन्नीस वोटों से हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को इक्यावन हज़ार चार सौ चालीस वोट मिले थे वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलस मुस्लिमीन के उम्मीदवार हाजी फारूक मकबूल को अड़तीस हज़ार सात सौ इक्कीस वोट मिले थे दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बार एम पार्टी यहां पर बड़ी आसानी के साथ चुनाव जीतने वाली है इसलिए कि सोलापुर सिटी विधानसभा इस वक्त खाली पड़ा है क्योंकि यहां के विधायक परिनीति सिंधे अपने कद बढ़ाकर 2024 लोकसभा चुनाव में विधायक से सांसद बन चुकी है एम पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास सोलापुर में चुनाव लड़ने के काबिल कोई मजमूद उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है वहीं दोस्तों मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता चलूँ असदुद्दीन अबसी साहब की पार्टी मजलिस मुस्लिमीन के पूर्व विधायक प्रत्याशी जनाब हाजी फारूक मकबूल चुनाव हारने के बाद भी सोलापुर के अंदर पिछले पाँच सालों से वहां के वोटरों के लिए विधायक जैसे काम किया है कोरोना काल में एम पार्टी के बैनर तले जनाब हाजी फारूक मकबूल वहां के लोगों के लिए हर मुमकिन कोशिश किया था इसलिए दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बार सोलापुर में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस मुस्लिमीन की जीत लगभग पक्की माना जा रहा है दोस्तों आप लोग अपना राय कमेंट के ज़रिए से हमें ज़रूर बतलाइए क्या सोलापुर सिटी में इस बार असदुद्दीन अब साहब की पार्टी मजलिस मुस्लिमीन अपना जलवा दिखाने वाली है या नहीं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक जब तक देखते रहिए अररिया एमएम न्यूज़ चैनल फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु